काश मैं तुम्हें अपने इश्क की दास्तान सुना सकता, मेरी सुबह, मेरी शामें, मेरी रातें, सब में तुम्हारी याद आबाद है। अब तो मुझे इस तसव्वुर से भी इश्क होने लगा। क्या कर सकते हो मेरे लिए? जो तुम कहोगी वो करूंगा। सोच लो। इश्क में सोचा नहीं जाता, इश्क तो समंदर की तरह गहरा, वसी, पुरसरार। वैसे इश्क शराब भी होता है। मेरा इश्क शराब नहीं है, मेरा इश्क एक हकीकत है। फर्रुख, फर्रुख। जी अम्मी। हाय फर्रुख, तुझे मैंने पूरे घर में देख लिया और तू छत पे बैठा है। हाँ जरूरी काम था एक। चल जल्दी नीचे, आ बाजार जाना है, सामान लेकर आ। अच्छा आ रहा हूँ। आ जाइए, बैठा ना रही। आ रहा हूँ। जल्दी कर जाए मैं। क्यों जगा दी अम्मी? ये गाड़ी आज ही आई है, बड़ी कीमती गाड़ी है, मगर हम तो बस इसे देख ही सकते हैं। गाड़ियों का शौक ही तो मुझे इस शोरूम तक लेकर आया। कहते हैं इंसान को वही काम करना चाहिए जिसका उसे शौक हो। हाँ ये तो है, मगर यार इस तनख्वाह में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो सोच रहा हूँ कोई और जॉब तलाश कर लूँ। पर मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये गाड़ियाँ इस कदर खूबसूरत हैं कि इंसान को इनसे इश्क हो जाता है। इश्क ऐसी ही चीज़ से होता है जिसे हासिल ना किया जा सके मेरे दोस्त। हाँ बड़े दुख की बात होती है जब इंसान किसी चीज़ की ख्वाहिश करे और उसे हासिल ही ना कर सके। और फिर हमारी सोसाइटी के तो मसले ही और हैं। पढ़ाई करो, फिर नौकरी हासिल करो, बहनों की शादी कराओ, घर बनाओ, और इस सब के बीच सोसाइटी फिर भी मर्दों को ही बुरा समझती है। हाँ यार, इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है।